हर रोज निफ्टी इंट्राडे स्ट्रेटेजी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और उसके बाद हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू www.tradingfab.in। आज 17 अप्रैल ट्यूसडे हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। तो निफ्टी एनालिसिस देखने से पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात। कल हमने देखा अमेरिकी मार्केट में तेजी देखने को मिली, डाउ जोन्स करीब करीब 212 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ, नासडैक भी 50 पॉइंट ऊपर। यूरोपियन मार्केट में थोड़ी मंदी दिखाई दी, थोड़ा दबाव देखने को मिला क्योंकि सीरिया पे थोड़ा अभी भी टेंशन बरकरार है। लेकिन अभी जो कि एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं, निकेई देखिए 12 पॉइंट का उछाल के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल एशियाई मार्केट में थोड़ा सा अच्छा बुल मार्केट दिख रहा है यहाँ पर। और हमारा SGX निफ्टी भी पॉजिटिव मूड में दिख रहा है। और इसके बाद हमारा निफ्टी एनालिसिस में आज क्या होगा, क्या इंट्राडे ट्रेड बन सकता है, ये देखने के लिए हम लोग जाते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कल का मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ था, ये एक स्नैपशॉट है, मार्केट आवर्स बंद, मार्केट बंद होने के बाद लिया हुआ एक पिक्चर है। कल के एनालिसिस के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। कल हमने कहा था कि निफ्टी बुलिश है, वीकली चार्ट में 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना हुआ है जो कि बुलिश पैटर्न है। और हमने कहा था कि जैसे कि फर्स्ट आर का कैंडल बनने के बाद अगर उसका हाई ब्रेक होता है, जो कि हाई बना था 10,474 में, अगर वो ब्रेक होता है तो निफ्टी यहाँ पर एक बाय पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा 10,483 होगा और उसके बाद 500। तो यहाँ से निफ्टी ने जब ये हाई ब्रेक किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10,483 का फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ और बाद में करीब करीब 10,516 के टारगेट को भी निफ्टी ने कल छुआ। तो करीब करीब यहाँ पे कल 42 पॉइंट्स का ट्रेड बन सकता था। और अगर आप 42 पॉइंट्स ट्रेड करते 10 लॉट के हिसाब से और आप बाई पोजीशन होल्ड करते तो आपको करीब करीब 31,500 का प्रॉफिट हो सकता था। तो हमारा ये कल का एनालिसिस था, उसके बिहाफ अगर आप ट्रेड करते तो आपको 31,500 का लगभग प्रॉफिट हो सकता था। तो ये था हमारा कल के एनालिसिस के बारे में रिव्यू। कल का वीडियो आपने अगर नहीं देखा होगा तो मैं यहाँ पे ऊपर एक आई बटन दे देता हूँ, कल का वीडियो आप प्लीज़ चेक कर दीजिए। तो ठीक है, ये था कल के एनालिसिस के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। अभी चलते हैं आज निफ्टी में क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने कहा है कि 3 वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है और निफ्टी यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहा है क्योंकि 20 EMA के ऊपर निफ्टी ट्रेड हो रहा है। तो फिलहाल वीकली चार्ट के हिसाब से तो निफ्टी अभी बुलिश है। और देखिए मार्केट ओपन हो चुका है, करीब करीब 20 पॉइंट ऊपर मार्केट ट्रेड हो रहा है। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में हमने जैसे कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, तो इसके हिसाब से 50% 10,562 के आसपास आ रहा है। तो करीब करीब अभी इसने ये टारगेट हमारा अचीव कर दिया है। आप देख सकते हैं निफ्टी 10,557 का हाई लगा चुका है और ऑलमोस्ट हमारा 50% का टारगेट अचीव हो चुका है। ये डेली चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आज फेस करे और थोड़ा यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट आज दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर अभी मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर हो रहा है और वो जब तक ओपन नहीं होता तब तक थोड़ा सा हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। तो ये था डेली चार्ट का एनालिसिस। इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए क्या होना चाहिए इसके लिए देखते हैं हमारा आर्ली चार्ट। ये रहा आर्ली चार्ट, 30 डेज है और 60 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन का हमने लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो 100% करीब करीब 10,560 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। और 20 EMA के काफ़ी ऊपर चला गया है निफ्टी इंडेक्स, 20 EMA के काफ़ी ऊपर चला गया है, तो हो सकता है यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है। ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज और नहीं तो फिर एक करेक्शन छोटा सा आ सकता है। निफ्टी फिर से एक बार 20 EMA को टेस्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 20 EMA के ऊपर चला जाता है, टेस्ट करता है और फिर से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर हमें आज एक हमेशा की तरह थोड़ा वेट करना पड़ेगा, निफ्टी के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। आप थोड़ा वेट कीजिए, हाफ एन आवर नहीं तो एक घंटे का कैंडल फॉर्म होने दीजिए। अगर वो फर्स्ट आर का लो अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हम 20 EMA तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि 10,480 के पास है। 10,480 अगर निफ्टी फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 10,480। और अगर ऊपर की तरफ निफ्टी हाई अगर ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट बनता है 10,580। तो फिलहाल आज के लिए निफ्टी अगर लो ब्रेक करता है तो ही आपका पोजीशन बनाइए, क्योंकि निफ्टी हो सकता है यहाँ से थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है, क्योंकि काफ़ी उछला है। कल 100 पॉइंट का करीब करीब उछाल देखने को मिला, हालांकि ये वीकली चार्ट के हिसाब से और आर्ली चार्ट के हिसाब से ट्रेंड बुलिश है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन दिखाई दे। अगर लो ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 10,480, और अगर ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करता है फर्स्ट कैंडल नहीं तो हाफ एन आवर का कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट होगा 10,560 और उसके बाद 10,580, ठीक है। तो ये था इंट्राडे स्ट्रेटजी आज के लिए। सो अभी फ़िलहाल बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।